हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, मतलब गैने का अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत, जो उसके बारे में आजकल क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। तो इसको अच्छे से समझेंगे, पूरे 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग या 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग को, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को डील कर पाएं किसी भी तरह का क्वेश्चन गैने से आए। और स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये डिस्कशन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि जो बाकी की वीडियोज़ हैं उनका भी अपडेट आप तक पहुँच जाए। इसको सिंपली एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो अपना एक मोटिव भी रहता है कि हम चीज़ों को सिंपल बनाएं और तब उनको समझ पाएं। स्टार्ट करेंगे रॉबर्ट एम गैने के बारे में। अगर हम देखें तो रॉबर्ट मिल्स गैने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो बुक है बहुत ही नोन बुक जिसके लिए जाने जाते हैं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी एक बुक है, ध्यान में रखें। कई बार बुक का भी नाम पूछ लेता है, जैसे गार्डनर की एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इन ये एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए। साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देने की जो एक कला है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, उस पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो है साइकोलॉजी की थियोरीज के, उनके बारे में इन्होंने बात की है। जो ये पूरी थियोरी है, हायरार्की है, अनुक्रम है, ये बेस्ड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच पर। कोई भी हायरार्की वैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच पर ही बेस्ड होती है, क्योंकि ऊपर जाना सीढ़ी नुमा एक चीज है जिसमें आप लेवल्स अप करते जा रहे हैं। तो इसको समझेंगे, ये जो 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी है इन्होंने, ये जो अनुक्रम है पूरा, इसमें देखेंगे कि कैसे आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, याद करने की एक ट्रिक भी देखेंगे लास्ट में। और अगर स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट लेवल है, शुरुआत के जो 4 लेवल हैं, बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म की तरफ आपको ये थ्योरी लेकर के जाती है, हालांकि बिहेवियरिज्म पर बेस्ड है ये कह सकते हैं। तो शुरुआत के 4 लेवल बिहेवियरल एस्पेक्ट को डील करेंगे, बाकी के 4 लेवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट को डील करेंगे। और ये कैसे याद रखने हैं इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका जो एस्पेक्ट है या फर्स्ट लेवल है वो है सिग्नल लर्निंग, जो बेसिक लेवल है। यहां से शुरू होगी बेसिक बात, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा हर लेवल पर, और आपको हर एक लेवल पर सीखना जरूरी है, तभी आप कॉम्प्लेक्स चीजों में बेहतर कर पाएंगे ऊपर वाले लेवल पर। बात करें इससे पहले, ये थ्योरी जो है, ये आपकी हायरार्की ऑफ लर्निंग जो है, टाइप्स ऑफ लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं लर्निंग क्या है, हायरार्की क्या होती है और व्हाट इज हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग हम जानते हैं, अगर बिल्कुल बात करें हम एक नॉर्मल टर्म में, तो लर्निंग इज अ रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर, मतलब लगभग रिलेटिव परमानेंट चेंज। रिलेटिव परमानेंट चेंज को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। हायरार्की क्या है, एक अनुक्रम है, एक इस तरह का लेवल्स ऑफ हायरार्की, मतलब कि लेवल दिए हुए हैं, अलग अलग लेवल पर आपको सीखते जाना है, हर टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं आप सिंपल से। व्हाट इज हायरार्की ऑफ लर्निंग, तो अधिगम में कैसे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं, लर्निंग को कैसे आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लर्निंग में जाते हैं, तो ये हुई हायरार्की ऑफ लर्निंग। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट जो एस्पेक्ट है सिग्नल लर्निंग, अगर हम बात करें सिग्नल लर्निंग की, संकेतात्मक अधिगम की, तो संकेतात्मक अधिगम क्या कहता है कि हम यहाँ पर सीखते हैं, वी लर्न टू मेक अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस और सिग्नल। किसी एक संकेत के प्रति, किसी एक सिग्नल के प्रति आप रिस्पॉन्स करके यहाँ पर सीखते हैं, एसोसिएशन बनता है किसी एक सिग्नल से। जैसे आप रेड लाइट पर हैं तो सिग्नल से एसोसिएशन है, या हो सकता है आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं आप बोलते बोलते एकदम शांत हो गए, या आप बोल रहे थे क्लास में शोर था आप शांत हुए, तो क्या ये सिग्नल है कि बच्चों को भी शांत होना है। तो यहाँ पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक सिग्नल से पहचान होती है। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिल्कुल पेवलव से पूरी तरह से प्रभावित है ये जो लेवल है यहाँ का फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे पेवलव की घंटी थी यहाँ पर, उसको भी सिग्नल मान सकते हैं आप, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मतलब कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में देखते हैं क्या होता है, वी लर्न टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे बाय बीइंग रिवॉर्डेड और गेटिंग फेवरेबल रिजल्ट्स। भाई हम एक वे में या एक तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, अनुक्रिया देना सीख जाते हैं, कब, जब हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है या फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसी एक प्रतिक्रिया के बाद। तो ये एक चीज़ है, और ये बिल्कुल रिवॉर्ड की बात यहाँ पर की गई है, रीइन्फोर्समेंट की बात की गई है, फेवरेबल रिजल्ट की बात की गई है, ये प्रभावित है स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से। हालांकि जो पूरी बिहेवियरिज्म है उस पर ये जो पूरी हायरार्की है बेस्ड है, लेकिन फिर भी अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर बात किसकी होगी, स्किनर की होगी। नेक्स्ट है आपका चेन लर्निंग, चेन लर्निंग मतलब श्रृंखला लर्निंग, आप चेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। चेनिंग क्या है, मतलब साइको मोटर चेनिंग हो सकते हैं, यहाँ पर आपके जो बेसिकली मोटर एक्टिविटीज़ हैं, प्रतिक्रियाएं हैं फिजिकल, उन पर ध्यान दिया जाता है। और जो फर्स्ट लेवल था उससे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या था, सिर्फ एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की पेयरिंग हो रही थी, एसोसिएशन था, लेकिन यहाँ क्या है, मल्टीपल आपके जो स्टिमुलस हैं या मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं वो जुड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा। तो ये एक चीज़ हुई, चेन लर्निंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, जब आप अपने शूज़ का जो बेसिकली लेसेस हैं उनको बांधते हैं, तो इन सब में क्या है, फिजिकली क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, या आप
जुड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं चीजों में, मल्टीपल चीजों में फिजिकली. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज इन टू अ सीक्वेंस. जो चीजें आपने सीखी, पहले सिग्नल से सीखी, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स में आपने प्रतिक्रिया दी, अब मल्टीपल रिस्पॉन्स हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं. साइकिल चलाने में आपके क्या है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. तो आप जो जितने भी रिस्पॉन्सेज सीखे हैं उनको एक सीक्वेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, या कहें तो लेवल नंबर 4 कहेंगे इसको, वर्बल एसोसिएशन टाइप, मतलब शाब्दिक साहचर्य अधिगम. अब वर्बल एसोसिएशन में क्या है, अब आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप लैंग्वेज को एसोसिएट करेंगे, अपने वर्ड्स को एसोसिएट करेंगे, अपने आइडियाज को एसोसिएट करेंगे, लिंक करेंगे. ध्यान में रखें, लिंक शब्द ध्यान में रखें, पूरी हायरार्की लिंकिंग पर बेस्ड है, एसोसिएशन पर बेस्ड है. इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है या जो भी है उसको आप वर्बली क्या है, अगर मान लीजिए आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में कुछ सीखा, अब आप उसको वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं उस प्रोसेस को जो आप कर रहे थे. तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एक तरह से वर्बली आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने आइडियाज को. नेक्स्ट है 5th टाइप, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब विभेदात्मक अधिगम. अब यहां पर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे किसके बीच में, डिफरेंट वेज टू डिफरेंट आइटम्स इन अ सेट. एक सेट के अंदर जितने भी डिफरेंट आइटम्स हैं उनमें आप किसको क्या प्रतिक्रिया देंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये इस चीज पर बेस्ड है. फिर से आप अपनी जो पेवलोव की थ्योरी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में ला सकते हैं. ये बी टू सी बेस्ड है, मतलब कि जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है, बिहेवियरिस्टिक एस्पेक्ट है, उससे कॉग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ यहाँ पर जाया जाता है. कैसे ये देख लेते हैं भाई, शुरुआत के जो 4 लेवल थे वो लेवल किस पर बेस्ड थे, बिहेवियरिज्म पर या बिहेवियरल एस्पेक्ट पर, जहां पर आप अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे थे. लेकिन यहां पर आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं 5th लेवल से. मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का ये लेवल है जब आप मोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट से ऊपर उठ करके. ये एक बात हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मतलब नेक्स्ट जो 6th टाइप है आपका लर्निंग का, कॉन्सेप्ट लर्निंग. कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब संप्रत्यय का अधिगम. आप अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, अपने संप्रत्ययों का निर्माण कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू क्लासिफाई एंड लिंक टुगेदर सिमिलर फिनोमिना और अकरेंसेज. भाई आपके सामने बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारे आप क्लासिफाइज करना सीख गए, जनरलाइज करना सीख गए, उनके बीच में अंतर करना सीख गए. क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स बनने शुरू हो गए. मतलब नेक्स्ट है रूल लर्निंग. रूल लर्निंग को सैद्धांतिक अधिगम या प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं. अ रूल अलाउज अस टू बिहेव इन अ कंसिस्टेंट और रेगुलर वे इन द फेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स और फिनोमेना. मतलब रूल क्या है, बेसिकली रूल या सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी होते हैं और हम सीखते भी हैं, चाहे अधिगम में सीखें या फिर अपने स्कूल में सीखें, कुछ भी चीजें हैं, हर एक चीज में एक प्रिंसिपल होता है. तो एक सेट एल्गोरिदम है और जिसको आप सीख रहे हैं यहाँ पर, जिसको आप जिस तरह से आप बिहेव करेंगे कंसिस्टेंटली किसी भी एक चीज के लिए, आपकी जिंदगी में भी रूल्स हैं और आपके काम में भी हैं. तो ये सेम उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर या टाइप नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट है, पूरी तरह से कॉग्निटिव बेस्ड है. अब तक जो थे 7 तक वो थे कॉग्निटिव प्लस बिहेवियरिस्टिक बेस्ड, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर बेस्ड है. प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान हाईएस्ट लेवल है. कंबाइनिंग नोन रूल्स प्रिंसिपल्स इनटू न्यू सिचुएशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अब आपने जो कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिन पर आप बार बार अपने काम को रिपीट करते थे, जो आपने कुछ एक एल्गोरिथम बनाया हुआ था किसी चीज को सॉल्व करने का, जो एक प्रिंसिपल बनाया हुआ था, अब आप उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं. मतलब आपने रूल बनाया हुआ था जो पुराना जितना भी सीखा है 7th लेवल तक, वो अब आप 8th लेवल में अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. आप किसी भी नई समस्या में समाधान करते हैं उसको कॉम्प्लेक्स रूप से कॉग्निटिव एस्पेक्ट का इस्तेमाल करके. तो ये एक बात है समस्या समाधान की. अगर हम इसको रिवाइज करें गैने की हायरार्की को, तो 8 लेवल्स हैं यहाँ पर, और 8 लेवल में शुरुआत के 4 क्या हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट पर बेस्ड हैं, बाकी के 4 क्या हैं, बिहेवियर से कॉग्निटिविज्म की तरफ जाते हैं, और जो हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो पूरी तरह से कॉग्निटिव बेस्ड है, मतलब संज्ञानात्मक बेस्ड है. अब इन 8 लेवल्स को कैसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाकी के 4 लेवल बताओ हाईएस्ट, या शुरुआत के 3 बताओ, तो कैसे बताओगे. तो SSPV मतलब शुरुआत में क्या है, सिग्नल था, फिर स्टिमुलस आया, फिर आपकी साइकोमोटर चेनिंग आई, फिर वर्बल चेनिंग आई, इस तरह से काम चल रहा है. तो ये हुए शुरुआत के 4. फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी की चेनिंग की, तो देख सकते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन है फिर 5th लेवल, जो थोड़ा सा कॉग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. फिर इसके बाद आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग. फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आ जाता है प्रिंसिपल लर्निंग. फिर इसके बाद प्रिंसिपल लर्निंग की बात करें तो हम आते हैं अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर. तो ये SSPV MCPP से ध्यान में रख सकते हो इसको, बाकी याद हो जाएगा अगर आप 2-4 बार इसको देख लेंगे, और ये जो लर्निंग की हायरार्की है इसको देख लेंगे एक बार, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अगर रिवीजन की बात करूँ तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं बहुत जल्दी के साथ. सिग्नल लर्निंग मतलब सिग्नल से सीख रहे हैं आप,
ठीक। फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टिमुलस है रिस्पॉन्स है उसके कंपैरिजन में उसके एसोसिएशन से सीख रहे हैं। फिर है साइको मोटर कनेक्शन, मतलब आप फिजिकली एक्टिव हैं, कनेक्शन बना रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्टिमुलस के साथ। फिर वर्बल एसोसिएशन, मतलब आप भाषा का इस्तेमाल करके एसोसिएट कर रहे हैं चीज़ों को, ये हो गए बिहेवियरल एस्पेक्ट। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख गए, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट बने यहाँ पर, आपके संप्रत्ययों का निर्माण हुआ। फिर प्रिंसिपल लर्निंग है और फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से ध्यान में रखें, MCPP से ध्यान में रख सकते हैं इसको, SSPPV से, SSPV, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप अपने पास, इसको शॉर्ट नोट्स बना करके इसको ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये थी जो आपकी थियोरी थी या हायरार्की थी गैने की, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो एक कॉन्सेप्ट था या एक हल्का सा डिस्कशन था वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट थियरी के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।